मुश्किलें पैदा कर सकता है, हालात बदल सकता है, लेकिन आपके इस बिग बॉस को नहीं बदल सकता। इस बार का बिग बॉस इतना क्रेज, इतना ओवर द टॉप, टीवी पर तो बैन हो जाए। बिग बॉस 15 में कुछ ऐसा दिखेगा सलमान खान का घर, सामने आई पहली झलक। बिग बॉस ओटीटी को शुरू हुए अब 2 हफ्ते पूरे होने वाले हैं। इसी बीच बिग बॉस 15 को लेकर भी लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। बहुत लोगों को यही लगता है कि बिग बॉस 15 को ही मेकर्स ने बिग बॉस ओटीटी के तौर पर लॉन्च किया है। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख हर किसी का कंफ्यूजन दूर होने वाला है। बीती रात से ही सोशल मीडिया पर सलमान खान के शो बिग बॉस 15 के घर की एक तस्वीर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में बिग बॉस 15 के घर का डाइनिंग हॉल और किचन एरिया साफ दिख रहा है। इस तस्वीर से साफ हो चुका है कि मेकर्स बिग बॉस ओटीटी के पूरे होने से पहले ही बिग बॉस 15 का घर तैयार कर रहे हैं। मतलब साफ है कि बिग बॉस ओटीटी खत्म होते ही सलमान खान के इस कॉन्ट्रोवर्शियल शो का अगला सीजन शुरू हो जाएगा। बिग बॉस ओटीटी में करण जौहर ने पूरे घर की कमान अपने हाथ में ली हुई है, लेकिन बिग बॉस 15 में सिर्फ और सिर्फ सलमान खान का ही जलवा देखने को मिलेगा। पिछले कुछ समय से ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बिग बॉस ओटीटी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ कंटेस्टेंट्स को सलमान खान के शो में एंट्री मिल जाएगी। बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने वाले दिव्या अग्रवाल, शमिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल और अक्षरा सिंह लगातार खबरों का हिस्सा बनी हुई हैं। ऐसे में हो सकता है कि इन लोगों को सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में आसानी से एंट्री मिल जाए। बिग बॉस ओटीटी के लॉन्च पर ही करण जौहर ने साफ कह दिया है कि ये शो सिर्फ 6 हफ्तों के लिए ही आएगा और आखिर में उन्हें इस शो के विनर्स भी मिल जाएंगे। बिग बॉस ओटीटी को खत्म होने में अब सिर्फ 4 हफ्ते ही बचे हैं। बिग बॉस 15 को मेकर्स 4 हफ्ते बाद ही लॉन्च कर सकते हैं। खबरें आ रही थी कि बिग बॉस 15 में अर्जुन बिजलानी, सना मकबूल और अमित टंडन जैसे कलाकार हिस्सा लेने वाले हैं।